इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बार चेक करवाता हूं, दो मिनट लगेंगे फिर आगे शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी कर्व अलोंग विच फोर्स एक्स कॉन्स प्लस वन कूलम्ब टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, ये आपने देख लिया, क्लियर? ठीक है, यानी कि अगर सोर्स चार्ज एक रखेंगे उसके वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड डायरेक्शन लिखना है तो वहां पर क्या करेंगे, प्लस वन कूलम्ब चार्ज है, जिधर फोर्स लगे उधर क्या होगा, फील्ड होगा। अगर इसको आप प्लस मानते हैं तो मैडम ये बता दिया, कहीं कहीं बुक में जाएंगे ना बाबू, कहीं कहीं बुक में जाएंगे या किसी और कुछ में डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या बोलता है, ये बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस आर द कर्व अलोंग विच ए प्लस वन कूलम टेस्ट चार्ज मूव, ये देखिएगा ध्यान से। हमने डेफिनेशन बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसा कर्व है जिस कर्व के अलोंग वन कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है सोर्स चार्ज की वजह से। हमें ये स्टेटमेंट मिला, कई जगह जाएंगे ना तो कई लोग या कई बच्चे या कई बुक में भी लिख देता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व अलोंग विच ए प्लस वन कूलम टेस्ट चार्ज मूव। देखिएगा मोशन में और फोर्स में बहुत फर्क है, मोशन लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं, अगर फोर्स लगेगा इसका मतलब ये नहीं कि मोशन हो ही रहा है, या मोशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स लग ही रहा है, गेट माय पॉइंट और नॉट। और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि फोर्स और मोशन का रिएक्शन हमेशा सेम होगा, नो। अगर मान लीजिए आपका दोस्त आपका इधर बाइक से जा रहा है या साइकिल से जा रहा है, आप पीछे खींच रहे हैं तो आपने फोर्स तो इधर लगा है लेकिन मोशन उसका हो रहा है, भले रिटार्डेड होता है मोशन रुकता है लेकिन मोशन तो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। कभी कभी ये भी होता है कि आपका दोस्त इधर साइकिल से जा रहा है आप धक्का दे रहे हैं तो फोर्स और मोशन क्या हो रहा है, सेम रिएक्शन हो जा रहा है ना। तो ये दोनों फोर्स एंड मोशन विल हैव में और मे नॉट हैव सेम डायरेक्शन, ध्यान देना ये, यानी कि फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स से बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, फोर्स के पाथ को बताता है, जिस रास्ते के लॉन्ग जिस रूट के लॉन्ग जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली ये लिखना सही है कि हमने ये देखा है कि मोशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स है। तो स्टेटमेंट हम क्या यूज करेंगे, फोर्स या मोशन, फोर्स यूज करेंगे ना कि हमको फोर्स का मतलब है। हाँ, ये दोनों बराबर हो सकते हैं कब, जब फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स अलग होगा और मोशन अलग होगा, रिजल्ट क्या होगा अलग है, हम प्रूफ कर सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी हमने दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपका टॉपिक हो बेसिकली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अगला प्रॉपर्टी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मर्ज एट निगेटिव चार्ज, इस चीज का हमेशा ध्यान देना है, क्लियर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यह भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस goes from high potential to low potential.
पोटेंशियल, ये ध्यान देना हमेशा आपको, लो पोटेंशियल। ये जो स्टेटमेंट है हम बाद में सेकेंड चैप्टर जब होगा तो वहां आपको हम क्लियर कराएंगे स्टेटमेंट, ठीक है ना। अभी आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ किया है और पॉइंट ए लिया है और पॉइंट बी लिया है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो यहां से यहां क्या है ना, इस तरह से जा रहा है, ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यानी बोल सकते हैं कि बी ए ग्रेटर देन वी बी, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो क्या रहेगा ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे देखिए प्रूफ। अब देखिए दूसरा चीज, इफ देयर इज अ प्लस चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स एफ विल बी इक्वल टू क्यू ई, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी फ्रॉम टू आर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब प्रॉपर्टी याद रखना, यानी कि इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे, इसका वैल्यू ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां पर आपने 5 कूलम चार्ज रखा है तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, इफ इक्वल टू 5 ई, डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, ना रहा समझ बाबू, हर बोलो इसमें डाउन हो जाता थोड़ा सा, चाहो तो कम बढ़ा रहा हूं, 5-6 गुना डाल रहा है। गेट बैक पॉइंट ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी, इफ देयर, यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक में प्लस चार्ज रखते हैं तो फोर्स कितना लगाएंगे, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन किधर ले लेंगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, कोई दिक्कत सबको, अरे बोलिए। दूसरा पॉइंट, इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये हो गया क्या बाबू आपका मैग्नीट्यूड ना, एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक, अरे बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना। इसका एग्जांपल कहां करें, यहां कराते हैं, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका वैल्यू ई मान लीजिए, और यहां पर -5 कूलम चार्ज रखा है, क्या रखा है, -5 कूलम चार्ज रखा है, तो फोर्स कितना लगेगा, ए इक्वल टू 5 ई ही लगेगा ना, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का, इधर जाएगा, दिख रहा सबको, जस्ट इस उल्टा, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलिए लिखिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका मैं जस्टिफिकेशन दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दिस कर्व अलोंग व्हिच फोर्स एक्स ऑन प्लस वन कूलम टेस्ट चार्ज, किसी और से पूछेंगे तो यही बताएगा डेफिनेशन, मौसम वाला बहुत तो बता देते हैं, आप समझिए, कोई बताए ना बताए, आप नहीं बताएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है साहब जी, दुनिया से को क्या फर्क पड़ता है, अगर खुश रहना है तो कंपेयर करना बंद करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व, सारा पॉइंट आज बन जाएगा along which इनका भी एडवर्टाइजमेंट करा दिया जाए क्या, दुकान का नाम बताओ तो, किसी भी शादी विवाह समारोह में पलंग चौपट कुर्सी जंगला संपर्क कर या कमेंट सेक्शन में आप हमको दुकान का नाम कुछ हम बता देंगे। लाइन सार्थक कर लॉन्ग विच वन कम डिस्चार्ज मूव मोशन करता है, ये डेफिनेशन है। देखिए दोनों फर्क है, कहीं हद तक सही है,
ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा नतीजे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें प्लस फाइव कूलम चार्ज लगती है और रेस्ट हो गया, प्लस फाइव कूलम चार्ज रेस्ट हो गया। ध्यान दीजिए जैसे फोर्स किधर लगेगा, रेस्ट करते इधर जाना शुरू होगा, यानी बोल सकते हैं कि इधर मोशन है उधर क्या फोर्स, फोर्स यानी मोशन एंड फोर्स सेम राइट है ना। दूसरा देखिए, अगर ये माइनस फाइव कूलम चार्ज है तो भी मोशन एंड फोर्स सेम डायरेक्शन होगा कि नहीं, ऐसा है। अब सारा अभी होगा सब कुछ देखना, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पूरा रूम में बड़ा करते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस फाइव कूलम चार्ज इनिशियली इधर गिर रहा है, इधर फाइव मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, ध्यान देना इधर 5 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया है, और फोर्स किधर लगेगा इधर नहीं जाएगा कैसे, तो मोशन और फोर्स का अलग अलग हो जाए बाबू, ना रहा समाज स्वयं आ रहा ही नहीं ना रहा। अगर माइनस फाइव कूलम चार्ज है और गिर रहा है तो किधर जाएगा, स्वयं आ रहा नहीं ऐसे ना, अरे बोलो यार फोर्स सीधा लगेगा नीचे जा रहा है ऐसे ही घूमेगा ना, अरे मोशन और फोर्स का सेम डायरेक्शन होगा ना बाबू, फोर्स इधर लगेगा मोशन भी इधर ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का कोई डायरेक्शन होगा ना इसी केस में, लेकिन फोर्स इधर लगेगा तो मोशन भी इधर होगा ना, तो यहाँ नहीं बोल सकते हैं आप कि जिधर प्लस वन इलेक्ट्रिक लाइन की तरफ ही फोर्स लगता है ये हमेशा पॉसिबल, या ये भी देखिए कि किसी चार्ज को प्लस चार्ज है फाइव कूलम प्लस फाइव कूलम चार्ज है इधर आपने इसको फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स इलेक्ट्रिक किधर अप्लाई करेगा इधर, तो इसके वेलोसिटी क्या होगा धीरे धीरे घटेगा ना, बाद में रेस्ट पे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तब भी यहाँ देखेंगे तो मौसम और फोर्स क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसीलिए आप ये नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये आप नहीं बोलेंगे 12th लेवल पे, अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फाइनेंस का समझ चाहिए इसके भीतर समझ है तो ये तो कतई नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि मोशन वाला कैसे गलत हो जाता है नारा समझ। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है आज करिए इस पे जाके, इलेक्ट्रिक फाइनेंस रहता है उसमें चार्ज को मोशन में देता है, देखिए प्लस चार्ज रहता है ऐसे आएगा माइनस चार्ज ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कर लेंगे। हाँ भाई अगला देखते हैं टॉपिक, अगला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड दो होगा यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह माहौल इन्वायरमेंट सेम हो, जैसे आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं यानी सारा बच्चे एक ही तरह का कपड़ा पहन के जाता है, एक ही तरह का जूता, यानी कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या, तो साथ ही नहीं पहन जाते हैं क्या, अलग अलग दोनों जूता अलग अलग, तो ये आप रूम देख लीजिए, ये रूम है इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो, यहाँ का अलग हो, यहाँ का अलग हो, यहाँ का अलग हो, हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अगर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइव है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइव है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइव है, यहाँ भी फाइव है, यहाँ भी फाइव, इसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म, यानी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन का हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेडियंट पॉइंट और नॉट, यानी कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, इसके इसमें क्या होगा वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट, समझ में आ रहा आप लोगों को, अरे बोलिए इसमें क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें क्या होगा फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं, क्या होता है फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ध्यान देना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, जैसे कैसा हमारा
ये क्या होंगे यूनिफॉर्म होंगे ना, इसमें क्या होंगे फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल, इसमें पैरेलल नहीं होंगे, जैसे ठीक है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है आपको, और बोलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड पॉइंट, पैरेलल लाइंस होंगे तो यूनिफॉर्म और नॉन पैरेलल होंगे तो वेरी गुड पॉइंट, और बोलिए फट से देखिए, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज, ये रीजन क्या होगा क्यों नहीं करेगा बाबू, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट कंजर्वेटिव फोर्स, यही रीजन है क्लियर, अगर यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन यहां शुरू हो गए, जहां शुरू हुआ वहीं पर आकर खत्म नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा या तो ऐसा होगा अलग अलग एंड पॉइंट होगा ऐसा, समझ आ रहा है कि नहीं, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट का अलग अलग हो, ये नहीं होगा, ये सही है ये सही है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन का क्लोज लूप नहीं बना सकता, क्यों नहीं बनाएगा बाबू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आर द कंजर्वेटिव फोर्स, करियर वाली बात, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे तब कराएंगे आपको, क्या कराएंगे सेकंड चैप्टर में, कोई दिक्कत वाली बात नो, बस याद रखेंगे। तीसरा दूसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए कि स्ट्रेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अट्रैक्शन इधर होगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन अगर कर्व है तो कर्व है तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्शन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, टेंजेंट डालेंगे ना, सो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट ना, सो टेंजेंट, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना आपको टेंजेंट ऑन द कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां से एक प्रॉपर्टी उभर के आएगा, और प्रॉपर्टी क्या होगा, टू फील्ड लाइंस, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों बोल रहे बाबू, डाउट कुछ हो रहे तो रुको, टू फील्ड लाइंस के नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा, क्या होगा अनर्थ हो जाएगा, अगर ये फील्ड लाइंस ऐसे है और ये फील्ड लाइंस ऐसे मान लिया दोनों यहां पर इंटरसेक्ट किए, इसके लिए टेंजेंट दिखा, इसके लिए टेंजेंट दिखा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां पर दो डायरेक्शन होगा पॉसिबल है क्या, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा ना, दैट्स व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, गेट माय पॉइंट और नॉट, सर बोलिए सर, अगला प्रॉपर्टी, देयर विल बी, देयर विल बी नो सडन ब्रेक इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये लास्ट इसके बाद खत्म हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी सडन ब्रेक नहीं हो सकता, यानी कि यहां से शुरू हुआ और फिर यहां से थोड़ा सा रूप टूट गया फिर यहां से शुरू हुआ, ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन समझते हो कंटिन्यूअस होंगे, समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन सर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द कंटिन्यूअस कर्व, यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम कंटिन्यूअस कर्व बना है, ग्रेड पॉइंट और नॉट सदी जा आपका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए हमसे, ठीक, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, बोलिए सर, उनके लिए क्लोज लूप बनाए, हाँ क्लोज लूप और बनाएगा, ऐसा बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में, अगर फोर्स दो तरह का होगा बाबू, कंजर्वेटिव है एंड नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, पाथ से डिपेंडेंट, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि यहां से आप चार्ज को मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है,
वैसा लाइन जिस पे प्लस वन कूलम चार्ज आ रहा है उस पर फोर्स लगेगा। अब यहाँ से मान लीजिए प्लस वन कूलम चार्ज इस पे जा रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसको वर्क होगा और वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेके गए तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क किया होगा और फिर घुमा के लेके चले आए यहाँ पर, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया होगा, वर्क किया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से ज्यादा टाइम में वर्क किया होगा यहाँ ज्यादा टाइम में वर्क किया होगा, टोटल वर्क क्या होगा दोनों का सम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ज्यादा टाइम में वर्क किया आधे टाइम में वर्क किया। लिख ध्यान दीजिएगा आप जहां से शुरू हुआ वहीं आप खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स के डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक को कोई वर्क नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं हम लोग। अब कंजर्वेटिव फोर्स या क्लोज लूप में कोई वर्क नहीं करता है तो उस डेफिनेशन से कोई वर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वर्क हो रहा है ना कि यहाँ से यहाँ जाने में वर्क हो रहा है यहाँ से यहाँ आने में वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर तो यहाँ पर आपको वर्क नॉन जीरो मिल रहा है और कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन लगाते हैं तो वर्क क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है। इसको माने ये सही है वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स है बोलते हैं तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि वर्क नॉन जीरो होने के लिए फील्ड कर्व क्या होना पड़ेगा, क्लोज लूप नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि एक जैसे ही क्लोज लूप नहीं बनाएगा यहाँ पर हम ब्रेक कर देते हैं इसका तो कुछ ना कुछ वर्क होगा ना बाबू यहाँ से आने में तो दोनों डिफिनेशन से क्या होगा, दोनों डिफिनेशन से वर्क नॉन जीरो हो जाएगा ना, ना समझ क्या जबरदस्ती हो गया क्या इसको जबरदस्ती हो गया समझ में आ रहा है क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लास में इतना पढ़े होंगे इसका जो वर्क क्लोज लूप में वर्क डन इसके थ्रू जीरो होता है ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप बनाता है यहाँ थोड़ा सा तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ समझाते हैं यहाँ से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे तो यहाँ पर प्लस वन का चार्ज है और मोशन करेगा इस पर तो वर्क होगा ना बाबू इस पर यहाँ से यहाँ जाने में होगा कि नहीं होगा। और फिर मान लीजिए घुमा के यहाँ भी लेके चले आते हैं यहाँ से यहाँ में भी वर्क होगा ना ऐसे है तो दोनों का वर्क क्या होगा नॉन जीरो बराबर होगा कि नहीं इस फॉर्मूला से एफ डॉट डी आर क्लास तो पढ़ेगी नहीं यहाँ से नॉन जीरो वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन लें तो क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क करता है जीरो तो यहाँ पर वर्क नॉन जीरो हो गया और इस डेफिनेशन से डब्ल्यू हमेशा जीरो आएगा ना क्लोज लूप में तो क्या माने ये कीजिए ये सही है वर्क तो होगा कि नहीं प्लस वन प्लस चार्ज मोशन करेगा तो वर्क होगा इसका मतलब वर्क होगा तो इसको भी जीरो नॉन जीरो करना है और इसको भी नॉन जीरो करना है तो ये नॉन जीरो कब होगा जब ओपन लूप होगा तब ना अगर क्लोज होगा तो जीरो और डब्ल्यू ओपन क्या होता है हमेशा नॉन जीरो ना इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन में क्या होना चाहिए ओपन होना है क्लोज नहीं होना। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नॉट अभी क्लियर ना हुआ हो गया और कोई डाउट बताइए बोलिए और कोई डाउट है तो बाय जब करें सर बात टेक केयर।